SPR साहब, मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशियल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें। मेरी बूढ़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? आप ही की तरह माजी, आप ही की तरह की वो सीनियर सिटीजन है, कोरोना में हीरो है इस कौम की। यास्मीन राशिद के साथ साथ हमारी आलिया हमजा का क्या कसूर है? शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? एक सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाला, रेमंड डेविस के मामले पे इस्तीफा देने वाला। मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज इस सवाल में कहना चाहता हूं, मैं साइफर केस के एक एक दिन रहा, मैं अदालत जाता रहा, इमरान खान बरी हुआ है। मैं कहता हूं साइफर पे जुडिशल कमीशन बनाएं, और जो बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पर्सनल उनके तर्जमान मिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब ने की थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने इन्हीं के एक शख्सियत लीडर मियां साहब के इल्जाम है, उस पे भी कमीशन बनाए। मेरा सवाल ये है, कब कब ऐसा क्यों होता है? एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? 88 में जब बेनजीर साहब की हुकूमत आई, और अगर नवाज शरीफ आ गए 90 में, तो 93 में जितना भी कोई कसूर था, आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार कानून ने दिया था नवाज शरीफ को, क्यों उसकी हुकूमत खत्म की गई? 99 में क्यों नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के भेजा गया? क्यों भेजा गया? तो जब मैं नवाज शरीफ की उसके खिलाफ अगर एंटी जमहूरियत कोई काम हुआ है, तो मैं फिर सवान के सामने मुकदमा क्यों ना रखूं? क्या आपके साबिक वज़ीर आज़म आपको नहीं पसंद, आप उससे नहीं एग्री करते सियासत से? उस पे लाइफ अटैक, एक दो मिनट जी, उस पे आखिरी अटैक हुआ, लाइफ अटैक हुआ, बॉडी में 4 गोलियां खा के 350 दिनों से जेल में है, उस पे जुडिशल कमीशन क्यों ना बने? लेकिन मुकदमा जमहूरियत में फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ईसाई ने पाकिस्तान की, और वो ये है, बड़ी बात होती है कौन स्टेट है, कौन वारिस है। द सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह, और उसको एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पे 25 करोड़ ने इस्तेमाल करना है, और द स्टेट विल एक्सरसाइज इट्स पावर्स थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, नॉट थ्रू सम ऑर्गेनाइजेशन, नॉट थ्रू सम डिपार्टमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर्म, not army, not ISI, not any other department, they are only the supporting arms. bahut zaruri hai, jis tarah haathon ke baghair aap apaaj hain, apni armed forces and intelligence agencies ke baghair aap kuch nahi kar sakte. but who will decide the policies? mere honorable law minister sahab, doctor sahab, aap se bhi muhatib hoon, sabse muhatib hoon. qaid ne kya kaha? 16 June 1948 कायद ने स्टाफ कॉलेज के स्पीच करते हुए कहा, मफहूम ये अल्फाज इधर उधर थोड़े से हो सकते हैं, कहते हैं दिस इज द लीगल पोजिशन, कायद कहते हैं दिस इज द लीगल पोजिशन, द आर्म फोर्सेज आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसीज, इट इज वी द सिविलियंस हु डिसाइड दिस इश्यूज, एंड यू आर सपोज to fulfill those policies which are entrusted upon you. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah speech to Staff College of Pakistan, Quetta. To mere janab deputy speaker sahab, main muqadme jamhooriyat ke aakhir ki taraf aate hue puchna chahta hu, ye awam to chun leti hai, is awam ne to chuna Liaquat Ali Khan ko bhi chuna, aaj agar mera leader Imran Khan kehta hai hum ye mulk ta qiyamat rahega, lekin usse seekhein, उससे सीखें, उसको फांसी चढ़ा दिया दूसरे को, भुट्टो को। आज मैं यहां बतौर सियासी कारकुन डिमांड करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। DGISPR साहब, मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशियल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें। मेरी बूढ़ी डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है? आप ही की तरह माजी, आप ही की तरह की वो सीनियर सिटीजन है, कोरोना में हीरो है इस कौम की। यास्मीन राशिद के साथ साथ हमारी आलिया हमजा का क्या कसूर है? शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? एक सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वाला, रेमंड डेविस के मामले पर इस्तीफा देने वाला। मेरे जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आज इस सवाल में कहना चाहता हूं, मैं साइफर केस के एक एक दिन रहा, मैं
अदालत जाता रहा, इमरान खान बरी हुआ है। मैं कहता हूं साइफर पे जुडिशल कमीशन बनाएं, और जो बात मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पर्सनल उनके तर्जमान मिस्टर मोहम्मद जुबैर साहब ने की थी कि उस वक्त आर्मी चीफ ने इन्हीं के एक शख्सियत लीडर मियां साहब के इल्जाम है उस पर भी कमीशन बनाए। मेरा सवाल यह है कब कब ऐसा क्यों होता है, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? 88 में जब बेनजीर साहब की हुकूमत आई, और अगर नवाज शरीफ आ गए 90 में, तो 93 में जितना भी कोई कसूर था आर्मी चीफ को बरतरफ करने का इख्तियार कानून ने दिया था नवाज शरीफ को, क्यों उसकी हुकूमत खत्म की गई? 99 में क्यों नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के भेजा गया? क्यों भेजा गया? तो जब मैं नवाज शरीफ की उसके खिलाफ अगर एंटी जमहूरियत कोई काम हुआ है, तो मैं फिर सवान के सामने मुकदमा क्यों ना रखूं? क्या आपके साबिक वज़ीर आज़म आपको नहीं पसंद, आप उससे नहीं एग्री करते सियासत से? उस पे लाइफ अटैक, एक दो मिनट जी, उस पे आखिरी अटैक हुआ, लाइफ अटैक हुआ, बॉडी में 4 गोलियां खा के 350 दिनों से जेल में है, उस पे जुडिशल कमीशन क्यों ना बने? कितनी बेनजीर, कितने लियाकत अली खान, कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, मुकदमे जमहूरियती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, डू नॉट फाइट फॉर पावर, डोंट गो इनटू पावर पॉलिटिक्स, डू नॉट फाइट फॉर पावर, फाइट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। शुक्रिया आप, शुक्रिया, शुक्रिया। माइक खोलें, माइक खोलें। तो साहब की जमात में है, आप खड़े रहें, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह, जेल भी नहीं तोड़ सकी। लेकिन मैं ये कहता हूं पाकिस्तानियों, मैं ये कहता हूं मेरे दोस्तों, मैं ये कहता हूं, जब बात पाकिस्तान की हो, जब बात इस्लाम की हो, जब कायद की हो, फिर अपने लीडर की बात छोड़ के उस लीडर की बात अपना लो, फिर अल्लाह रसूल की बात पकड़ लो। आप में से हर एक लीडर है, मैंने पिछली स्पीच में भी यह बात की, हम अपना स्टैचर बढ़ाएं, अपने लीडर की गलत बात को गलत कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए कहें। और इस शेर के साथ, स्पीकर साहब आपको शेरों का बड़ा शौक है, साहिब शौक हैं, ये शेर इस मुकदमे जमहूरियत का दर्द है, ये शेर इस मुकदमे जमहूरियत का दर्द है, ये इमरान खान का भी दर्द है, ये नवाज शरीफ का भी दर्द है, ये शहीद भुट्टो का भी दर्द है, ये कायदे आज़म का भी दर्द है। जागरण वालियां, जागरण वालियां, रच के लुटिए, सोए तुसी भी हो तो सोए असी भी हां, लाली अखें दी बेदस्ती है, रोए तुसी भी हो तो रोए असी भी हां। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। शुक्रिया, शुक्रिया। तारिक हुसैन शाह साहब।